आज बायोलॉजी क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज आप लोग क्लास के माध्यम से जानेंगे कि बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन को आने की संभावना ज्यादा रहता है, वो क्वेश्चन हम आज बताने जा रहे हैं आप लोग को। इसके लिए कुछ मेथड है, उस मेथड को आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे। वैसे जो प्रेस है उस प्रेस में क्लियर की जाएगी, रक्त का समूह और जन्म लेने वाले संतान का जीनोटाइप एवं ब्लड ग्रुप। ये प्रश्न जनरल परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है और मेरे के एग्जाम के लिए भी काफी आवश्यक है। इस माध्यम से मेथड हम आप लोग को फेस कर रहे हैं, वो मेथड बोर्ड के माध्यम से आप लोग देखेंगे और इसे याद है स्मरण कर लेंगे। स्मरण कर लेने से हमेशा ही लाभ होगा और आगे की पढ़ाई में भी सुविधा मिलेगी। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे। इसके लिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं कुछ मेथड है जो याद करने जरूरत है। ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए, का जीन टाइप इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी का ब्लड ग्रुप एबी का ब्लड ग्रुप ओ का। इसमें ए का जो जीन टाइप है याद करने जो है आई ए या फिर आई ओ। इसी प्रकार आई बी या एबी का एरा मेथड। मेथड याद कर लेने से फायदा होगा जो फ्यूचर इंपोर्टेंस के लिए जो एग्जाम बिल्कुल आने लायक होता है उस क्वेश्चन को देखेंगे तो प्रश्न किस तरह का होगा। अगर हम प्रश्न लिखेंगे इस माध्यम से और प्रश्न को ध्यान देना है। प्रश्न बताता है कि यदि परिवार के सदस्य माता का रक्त समूह माता का रक्त समूह ओ पॉजिटिव और पिता का रक्त समूह
वो जेंटिल है। तो जन्म लेने वाले संतान जन्म लेने वाले संतान का रंग सबो क्या होगा ये हम जीव टाइप निकाले एक वैसे कि परिवार के सदस्य में माता का रक्त समूह ओपोजिटिव पिता का रक्त समूह ए पॉजिटिव है तो जन्म लेने वाले संतान का रक्त समूह क्या एवं जीन टाइप निकाले जानते संतान प्राप्ति में दाम्पत्य जीवन की अनिवार्यता होता है इसमें लैंगिक कार्य करने के लिए वास्तविक उम्र होती है। इस आधार पर मेल और फीमेल के संयोग से निषेचन की क्रिया इसमें ओविल के साथ स्पर्म की अनिवार्यता होती है। जब संयोग की क्रिया स्थापित होती है तो सहवास के दौरान मेल और फीमेल के बीच आपस क्रिया से संतान की प्राप्ति की स्थिति प्रकट होती है। इसमें पूर्व से रक्त का जो काम होता है जिस तरह का ग्रुप होगा उस तरह का स्थिति प्रकट होगी। इसे जानने के लिए कोशिश होती है कि पूर्व से यदि दाम्पत्य जीवन स्थापित करने वाले स्त्री पुरुष की ब्लड के बारे में जानकारी है तो उनसे जन्म लेने वाले संतान के बारे में पहले से ही यह जानकारी स्पष्ट कर सकते हैं कि किस तरह के संतान जन्म लेंगे। संतान को जन्म लेने से पहले पता कर ली जाए किस तरह की जानकारी आज हम लोग को उपलब्ध करवा रहे हैं आज की इस क्लास में। तो देखते हैं जो मेथड हम पूर्व में लिखे थे बोर्ड पर जिसको अभी उठाए उस मेथड के आधार पर सबसे पहले हम जीन टाइप लिखेंगे और जीन टाइप के माध्यम से आगे देखेंगे किस तरह का समूह वाले बच्चे जन्म लेंगे संभावना किस तरह का होगा हम लोग देखते हैं बोर्ड के माध्यम से। इसमें सबसे पहले परिवार के सदस्य माता का रक्त समूह तो माता का रक्त समूह ओपोजिटिव है इसका जीन टाइप पहले लिखना चाहिए। देखते हैं माता का रक्त समूह ओ का जीन टाइप होगा यो आर तेरे पिता का रक्त समूह इस पर अब देखते हैं कि किस तरह का स्थिति बनता है। अब उस स्थिति पर बात करेंगे कि कैसी स्थिति यहाँ पर प्रकट होगा तो यहाँ पर कुछ सिंबल दे रहे हैं सिंबल को देखेंगे। तो सबसे पहले है कि संयोग की क्रिया में यानी स्त्री प्रजाति का
उल्टा और उस प्रजाति का संतानों का झुकाव होता है। तो इसे देखते हैं माता का अंडा है, इस तरह से पिता का शुक्राणु, इस तरह से अब हम आइडिया लेते हैं। यहां पे इस तरह का कुंडल बनाते हैं, ऊपर लेना है माता का अंडाणु, माता का अंडाणु यहां पर गोल है, बारीकी से देखना है कि यहां पर माता का अंडाणु को जीरो टाइप को ले लीजिए, पिता का शुक्राणु इनका जीरो टाइप दो तरह से। तो सबसे पहले बारी बारी से लेंगे, आई ए आई एक अब इस कुलम के माध्यम से सीखा होगा सीखने में, और ये कोटे से फ्यूचर होता है, इसी आधार पर अन्य फ्यूचर होंगे जो इसी माध्यम से बनेंगे। तो यहाँ पर मिलाते हैं सबसे पहले इधर से एक कुलम इसके सामने है, तो ये हो जा रहा है आई ए, ऊपर से है आई ए। इसके बाद यहां पर फिर इसी के सामने है आई ए आई ओ, उसके बाद फिर यहां देखेंगे ऊपर से है सामने सामने देखेंगे तो आई ओ, फिर यहां से देखेंगे आई ऊपर से देखेंगे आई ओ। तो ए रहा कोलन से जाने का। अब यहां पर फिगर करेंगे इस जीन टाइप को देखकर, इस तरह का जब जीन टाइप होता है तो इस तरह का जो जीन टाइप होता है तो ए दर्शाता है ब्लड ग्रुप ए को, फिर इसमें भी ए भी दर्शाता है ब्लड ग्रुप ए को, ए भी दर्शाता है ब्लड ग्रुप ए और ए भी दर्शाता है ब्लड ग्रुप ए। स्थिति पर क्या होता है कि ये चारों कोलम एक ही तरह का जीन टाइप आ रहा है, इसका मतलब है कि संपूर्ण रूप से 100% अनुमान है 100% संतान रक्त समूह एक का जन्म दे एक किसी के लिए। फिर बाद ये तो से जो इसका ना क्योंकि ये यहाँ यदि मान जाए कि जिन ये जिन क्रिया से ना होते यदि जिन माता का तो नहीं चिन्ह सिर्फ लेकिन पिता का जो है जिन है जिन टाइप है पिता का इस तरह की स्थिति बनता है। तो इसके लिए फिर यहां अप्लाई करेंगे इस तरह से, ये देखते हैं एरो तो माता का डालू और डालू तो सिर्फ इसी तरह का है रही बात। यहां पर आई ए आई ओ का इसके लिए यहां आई ए आई ओ, तो अब अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि ये समझ में आया होगा तो इतना पर ही क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, कोलम में आएगा तो किस तरह से आएगा, ये भी क्लियर हो रहा होगा।
स्पर्श है, इसमें क्या होगा देखते हैं। इस जगह से हम अप्लाई करेंगे आई, इस जगह से हम अप्लाई करेंगे आई, फिर इसी तरह से यहां आई ए या फिर आई, और यहां पे यहां से फिर यहां से आएंगे यहां पे यहां, तब देखा जाए कि ये जो चीप टाइप है और ये जो चीप टाइप है सेम है, दोनों सेम है, यहां पर भी दोनों सेम, चार कुलों में दोनों एक तरफ और दो एक तरफ, तो ये क्लियर हो रहा है कि इस जगह पर ये जो स्थिति है तो 100% आप बांट दीजिए तो 50% जो ये जी टाइप है वो एक ग्रुप का है, तो फिर पहले कहते हैं जी टाइप के बारे में कि किसका जी टाइप किस तरह का होता है। तो यहां पर अब आता है कि 50% संतान रक्त समूह ए का होंगे, और रक्त समूह ए का होंगे, और अब ई जो जीन टाइप है वो जीन टाइप स्पष्ट कर रहा है कि ये जो जीन टाइप है ए जीन टाइप जो होगा वो रक्त समूह और 50% संतान रक्त समूह ओ का होंगे, तो 50% संतान रक्त समूह ए का होंगे, और देखते हैं इसको हम क्या करेंगे। और 50% संतान ओ ग्रुप का होगा, वो ग्रुप का होगा स्पष्ट है। ये इस तरह का प्रश्न है तो उसका निष्कर्ष रहा ये जीन टाइप का और उनका स्थिति रहा कि किस तरह का संतान जन्म लेंगे, यानी जीन टाइप के साथ साथ इससे स्पष्ट होता है रक्त समूह को भी पता कर सकते हैं। इसी आधार पर मान लीजिए यहाँ पर फ्यूचर बदलेगा तो फ्यूचर बदलने के बाद सब चीज वही होगी लेकिन सिर्फ रक्त समूह का नाम चेंज हो, यानी इस वक्त प्रश्न को चेंज कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट प्रश्न इसको बनाई हो या वो हिंदी तरीके से क्वेश्चन को बनाएगा तो माने बनाता है परिवार के सदस्य माता का रक्त समूह यानी ब्लड देता है, यानी ये पॉजिटिव कर देता है, और पिता का रक्त समूह ऐसा हो सकता है तो जन्म लेने वाले संतान का रक्त समूह क्या होगा चिंतित। ये तो एक पढ़ाई है, एक जानकारी है, और इसके साथ साथ एक अनुमान भी पहले से लगा सकते हैं, माता पिता का रक्त समूह जान करके पता लगा सकते हैं कि उनसे जन्म लेने वाले संतान का रक्त समूह किस तरह का होगा, यानी जो जन्म लेने वाले संतान होगा वो किस ग्रुप का होगा। अब भी देखें शिवाद सदस्य माता का रक्त समूह वो पॉजिटिव और पिता का रक्त समूह ओ पॉजिटिव है, चेंज करते हैं माता का रक्त समूह यहां पर ओ का जीन है सिर्फ, तो यहां पर माता का रक्त समूह
माता कारक समूह, यहां पर ए पूछे और पूछे, तो माता कारक समूह ए का जीन टाइप जो होगा वो होगा आई ए, आई ए या फिर आई ए। पिता कारक समूह ओ, इसका हो जाएगा सिर्फ इस तरह का। तो स्थिति होता है क्या वो देखेंगे सामने। चेंज करके देखना है तो सबसे पहले माता का नाम ये उसी तरह से बोला बनाएंगे। कोलम में किस तरह का बनाए तो माता का अंडान चेंज होगा इस बार आई ए आई ए। पिता की सुना ये तो सही है। सिंपल आप इस कोलम में अप्लाई करते हैं तो देखेंगे सबसे पहले ऊपर कोलम किसका है, इधर से इसका है, ऊपर से इसका, यहां से भी इसके बाद इस जगह देखेंगे फिर वहां से इससे क्या होता है कि सर का सर कोई एक ग्रुप है, एक ग्रुप का चिन्ह है, एक ग्रुप है यानी जन्म लेने वाले सभी संतान सभी संतान कौन सा ग्रुप एक ग्रुप का हो। एक ग्रुप जन्म लेने वाले संतान सभी संतान एक ग्रुप का हो एपी नजर का चिन्ह टाइप तो जिसका चिन्ह टाइप होगा उसका ग्रुप होगा। इसी प्रकार से फिर इसका आगे लिख देते हैं क्योंकि एक बचा हुआ है